हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पुदीने की चटनी बनाएंगे और उसको स्टोर करने का तरीका देखेंगे। ये तकरीबन आप 6 महीने तक इसको स्टोर कर सकते हो रेफ्रिजरेटर में इस तरह से। जब भी घर में कबाब बनते हैं या कुछ ड्राई आइटम बनता है, आपको चटनी की ज़रूरत पड़ती है, बस इसके अंदर से क्यूब्स निकाल लीजिए और आधे घंटे पहले इनको मेल्ट कर लीजिए। आप इनको दही में किसी में भी खा सकते हो। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगी पुदीना, फ्रेश पुदीना, और ये धनिया है। इसको 1:2 के रेशियो में लेंगे। पुदीना हम लेंगे 2 के रेशियो में, यानी यहाँ पर अगर 2 मुट्ठी पुदीना लेंगे तो 1 मुट्ठी लेंगे भरकर धनिया। यहाँ पर मैंने 1 बंच धनिया का और 2 बंच पुदीने के लिए हैं। आप 1:2 रेशियो ले लीजिए। और यहाँ पे मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें लिए हैं। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हो उतना ले लीजिए। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, और ये चाट मसाला है 1 टीस्पून, और ये काला नमक है। आप नमक नॉर्मल भी ले सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 लेमन, ये प्रिजर्वेटिव के तौर पर काम करेगा। सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सिंग जार और उसमें सारा पुदीना और धनिया डाल देंगे। ये देखिए, इन सबको डालने के बाद हम इसके अंदर हरी मिर्चें, ज़ीरा, चाट मसाला और नमक, इन सबको डालकर थोड़ा पानी डालिए, या अगर ज़रूरत ना पड़े तो ना डालिए। इस तरह से पेस्ट बनाकर रख लेंगे। और यहाँ पर हम लेंगे 1 लेमन और उसका सारा जूस अच्छे से स्क्वीज कर लेंगे। इस रेसिपी को आप रमज़ान से पहले बनाकर रखिए, आपको बहुत आसानी होगी। रमज़ान के महीने में चटनी बनाना थोड़ा मुश्किल लगेगा। अगर आप प्री प्रिपरेशन के लिए ये बनाकर स्टोर कर रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस तरह से, और लेमन एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम भी करेगा और अच्छा टेस्ट भी देगा। अब हम इन आइस क्यूब के ट्रे में इसको एक एक स्पून करके डालते जाएंगे और फिल कर लेंगे। इन सबको अच्छे से एक बार फिल कर लीजिए। ये देखिए, मैंने एक ट्रे तो तैयार है, थोड़ी और चटनी बची थी तो मैंने दूसरे ट्रे में भी इनको डालकर रख लिया है। इसको आराम से आप 6 महीने तक फ्रेश पुदीने की चटनी की तरह खा सकते हो। अगर बिरयानी पुलाव में खाना हो तो झटपट से थोड़ी देर पहले निकाल कर रख लीजिए और दही में डालकर अच्छे से सर्व करिए एज अ राइता। इसको मैंने इसे एक क्लिंग शीट के मदद से रैप कर लिया है ताकि रेफ्रिजरेटर में पुदीने की कोई स्मेल ना जाए और दूसरी चीज़ों की स्मेल इस पुदीने की चटनी में ना आए। इनको अच्छे से एक बार रैप करके फ्रीज कर लीजिए 2 से 3 घंटे तक। यहाँ पर मैंने फ्रेश मटर, मलाई, बहुत सारी चीज़ें स्टोर की हैं। ये मैंने ओवरनाइट फ्रीज कर लिया था, अगले दिन सुबह में मैंने इसको निकाल लिया है। ये देखिए, ये आइस क्यूब्स बनकर तैयार है। इन पुदीने की चटनी के क्यूब्स एकदम तैयार है। इसको अब हम एक एयरटाइट कंटेनर बॉक्स में डालकर रख लेंगे। जब भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी हम इसको निकाल लेंगे और झटपट से सर्व कर लेंगे। ये देखिए, इन सारे क्यूब्स को मैंने इस तरह से स्टोर कर लिया है। देखने में ही कितने प्यारे लग रहे हैं छोटे छोटे क्यूब्स। इनको एक अच्छे से एक बार एयरटाइट कंटेनर में लॉक कर रख लीजिए और फ्रीज़र में स्टोर कर लीजिए। लीजिए, झटपट से पुदीने की चटनी तैयार है। अगर आपको ऐसे ही रेसिपीज़ देखना है तो मेरे चैनल होममेकर नगमा को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करिए। इससे आपको मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस फ्री में मिल जाएंगी। अच्छा, तो फिर मिलते हैं एक और नई इजी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।